नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूथा क्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। धन्य है वो माता जिसने पूज्य जया किशोरी जी को जन्म दिया। धन्य है वो भारत देश जिसने जया किशोरी जी जैसी प्रतिभा का अवतरण हुआ और उनके साथ साक्षात लोहरदगा में सत्संग कर लोहरदगा वासी भी धन्य हो गए। नानी बाई की मायरा कार्यक्रम में द्वितीय दिन भव्य मंच पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरती साहू परिवार के द्वारा किया गया। भक्ति रस में सराबोर लोहरदगा वासी नानी बाई की मायरा प्रसंग पर कथा सुन ओतप्रोत हो गए। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि में संत महात्माओं का जन्म हुआ है। प्रवचन के दूसरे दिन भक्ति पर आधारित कथा में नानी बाई की पुत्री सुलोचना बाई की शादी होने वाली होती है। तब अनिच्छा से भक्त नरसी को निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन शर्त होती है बिना मायरा के नहीं आना है और मायरा की राशि होती है 56 करोड़ रुपए, ताकि ना ही नरसी के पास 56 करोड़ होगा और ना वो आएगा। परंतु भक्त के वश में है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण मायरा पहुंचाने आते हैं। सत्संग का विधिवत उद्घाटन माननीय मंत्री एवं स्थानीय विधायक रामेश्वर उरांव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू तथा शेफाली साहू के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूथा क्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। जया किशोरी जी द्वारा भजन ओम जय जगदीश हरे के बाद जैसे ही राधे राधे गोविंद राधे का भजन शुरू किया गया, वैसे ही जन सैलाब भक्ति सागर में डूब गया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।